कितना महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे किसी मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, हो सकता है एक विशेष धर्म जात संप्रदाय के लोग जाते होंगे, लेकिन विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ भी सभी धर्म जात के बच्चे यहाँ उपस्थित होते लोग आते हैं। सरकार की मंशा है कि यहाँ पर किसी तरह से शिक्षक को ये ना लगे या जनता को ये ना लगे फला बच्चा किस जात का, किस धर्म का। अगर सारे बच्चे ड्रेस पहन लें, सारे बच्चे स्वेटर पहन लें, तो हमको लगता कोई बता नहीं सकता कि बच्चा किस जात का, किस धर्म का, किस संप्रदाय का। सरकार का मेन मकसद है किसी भी तरह से विद्यालय में ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, अंडा आडंबर ना हो, सबको समान शिक्षा देने की बात है। क्योंकि अन्य विद्यालयों में अगर आप जाएंगे तो बता सकते हैं कि फला बच्चा बहुत अमीर घर का है और फला बच्चा बहुत गरीब घर का है। इस हमारे विद्यालयों में कोई नहीं बता सकता जात का है, किस विशेष धर्म का, कौन गरीब है, कौन अमीर है। हमको लगता है यहाँ का शिक्षक भी अगर नहीं बता सकता तो रजिस्टर ना देखे, ऐसा किसी को नहीं। ये हमारा मेन उद्देश्य था, सरकार की मेन मकसद था कि बच्चों को ऐसी चीज लाए जैसे MGM। MGM से हमारा पेट जरूर भरेगा, क्योंकि उसका मेन मकसद था कि हमारी कुछ भावनाएं जो है, कुछ चीज की भावना है, धर्म संप्रदाय है, छुआछूत की भावना को खत्म कर दिया। सारे बच्चे एक लाइन में बैठ कर एक साथ बच्चे भोजन करें, चाहे जिस टाइप का एक लाइन में बैठे। इसी तरह से ड्रेस है, जैसे आप लोग को मिलता है, अब ड्रेस सब सारे बच्चे को जब मिल जाएगा, जब पहन लेंगे, जब सड़क से निकलेंगे, कोई नहीं बता सकता कि फलाने साहब के घर का है, फलाने मजदूर का बच्चा, कोई नहीं बता सकता। इसी तरह स्वेटर आपको दिया जा रहा, जब सारे बच्चे स्वेटर पहन लेंगे तो ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, कोई नहीं बता सकता कि किसी अमीर का बच्चा है, किसी गरीब का बच्चा है। सारी सुविधाएँ आप लोग को मिल रही है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे शिक्षक खूब मेहनत कर रहे हैं, सरकार खूब पैसा दे रहा है, आप लोग रेगुलर आते हैं कि नहीं आते हैं, नियमित आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 5 दिन आएंगे 10 दिन गायब, 10 दिन आएंगे 15 दिन गायब। बहुत कम बच्चे ऐसे मिलते हैं या रहते हैं स्कूल में जो तो परमानेंट रहे कि लगातार गायब ना हो, उपस्थित लगातार बनी रहे। अब कोई बच्चा घर पर आया, लेट आ रहा है, 10 दिन के बाद आया, जब हमारे गुरु जी पूछते हैं क्यों नहीं आए, तो गन्ना की छिलाई चल रही है, धान की रुपाई चल रही है, धान की कटाई चल रही है, गेहूँ कटाई चल रही है, कहते हैं किसी में से हमारे माँ बाप ने रोक लिया। आपको त्वरित लाभ दे सकता है कि धान मान लीजिए कटाई की है आपने, 100-200 रुपया जो भी मिल गया, 2-4 को मिला, त्वरित लाभ मिल सकता है। लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है जो कि लाभ तो बाद में देगी, लेकिन आपका जीवन का जो महत्वपूर्ण है, जो एक मानव सभ्यता सिखाती है, जो एक मानव को बराबर का दर्जा दिलाती है, वो आपको कहीं कहीं छूट जाएगा। जैसे चेहरे बहुत बढ़िया खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि स्वेटर वितरण होता है, ड्रेस वितरण होता है, जूता मोटा, तो बच्चों के चेहरे खुशी रहती है और उस दिन बच्चे भी खूब आ जाते हैं। और जो बच्चे नहीं, जैसे मान लो बच गया, आज स्वेटर हमारे मास्टर साहब ने दे दिया, कल आप देखेंगे बच्चों को 50% अटेंडेंस हो जाएगा। बच्चे बताओ, हम लोग इतना खर्च कर रहे हैं, सरकार इतना खर्च कर रही है, उसके बावजूद आप आ जाए हैं कल नहीं आएंगे, तो हमारे टीचर क्या करेंगे बताइए। अब आपके माँ बाप कहेंगे मास्टर साहब पढ़ाते नहीं, अब बाप बोलेंगे पढ़ाते नहीं, क्योंकि जो 10 साल 20 साल पहले जो स्थित था विद्यालयों का, जनता में अभी भी यह है जमात में 10 साल पहले जो विद्यालय किसने था वो सकता है आज भी, लेकिन हमको लगता है आज बहुत ही परिवर्तन है। आप देखेंगे, आपको शायद पता नहीं हो, जो विद्यालय हमारे रंगाई पोताई का पैसा 20 साल पहले आता था वही आज भी आ रहा है, और उससे बेटर रंगाई पोताई महंगाई बढ़ गई। अगर हम 5 हज़ार का रंगाई पोताई देते हमारे अध्यापक 15-20 हज़ार से लगा के उतनी बढ़िया रंगाई पोताई कराए। स्वेटर का पैसा आया नहीं, लेकिन हमने कहा स्वेटर बटवा दीजिए, सारे अध्यापक बंटवाना शुरू कर दिए।